दोस्तों स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल पर। दोस्तों ऐसा कहा जाता है कि हंसना हर लड़की की अदा होती है, वहीं देखा जाए तो ये बात 100% सच है कि लड़के लड़कियों की हंसी पर फिदा हो जाते हैं दोस्तों और उन्हें अपना दिल दे बैठते हैं। एक रिसर्च के मुताबिक जैसे इंसान के हाव भाव उसकी चाल व्यक्ति के व्यक्तित्व के बारे में बताते हैं, वैसे ही इंसान का हंसना और मुस्कुराना भी व्यक्तित्व के कई राज खोलता है। दोस्तों मेडिकल साइंस के मुताबिक हंसने से ब्लड सर्कुलेशन तेजी से होता है और टेंशन रिलीज होता है। दोस्तों वैसे तो हंसने के काफ़ी फायदे होते हैं, इससे आप तनाव मुक्त रहते हैं। विज्ञान के अनुसार ज़्यादा हंसने वाले लोग ज़्यादा लंबे समय तक स्वस्थ और जीवित रहते हैं। इतना ही नहीं, हंसने से चेहरों की मांसपेशियों की एक्सरसाइज भी होती है। दोस्तों यही कारण है ऐसा कहा जाता है कि लाफिंग इज द बेस्ट मेडिसन। दोस्तों सामुद्रिक शास्त्र के मुताबिक आपके हंसने या मुस्कुराने का तरीका बहुत कुछ कहता है। जिस तरह हर व्यक्ति का व्यवहार अलग होता है, वैसे ही हर किसी के हंसने का तरीका भी अलग होता है। दोस्तों ऐसे में बात अगर लड़कियों की जाए तो वह अलग अलग ढंग से हंसती और मुस्कुराती हैं, लेकिन क्या आपको पता है कि लड़कियों के हंसने के तरीके में कई बातें छुपी होती हैं। जी हाँ दोस्तों, आप आसानी से लड़की के हंसने और मुस्कुराने से उसके नेचर के बारे में पता कर सकते हैं। कहते हैं कि एक सफल आदमी के पीछे किसी औरत का हाथ होता है, तो इसी कारण आपकी ज़िंदगी में ये बहुत मायने रखता है कि आपकी पार्टनर कैसी है। दोस्तों कई बार आप उनके व्यक्तित्व की पहचान नहीं पाते हैं, मगर लड़कियों की कुछ हरकतें होती हैं जिन्हें आप आसानी से पता कर सकते हैं। दोस्तों सामुद्रिक शास्त्र के मुताबिक इस ग्रंथ में लड़कियों से जुड़े कई ऐसी बातों का जिक्र किया गया है जिन्हें आप नहीं जानते हैं। दोस्तों आज के वीडियो में हम आपको बताएंगे कि बात बात पर हंसने वाली औरतें या लड़कियां कैसी होती हैं, लेकिन उससे पहले आप इस वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और इसी तरह के वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को शुरू कीजिए। चलिए दोस्तों अब मेन वीडियो स्टार्ट करते हैं। दोस्तों पहला पॉइंट है रुक रुक कर हंसने वाली। जी हाँ दोस्तों, आपने देखा होगा कि कुछ लड़कियाँ रुक रुक कर हंसती हैं या फिर एक ही बात पर बहुत देर तक हंसती हैं। इस तरह की लड़कियों की मानसिक शक्ति बहुत कमज़ोर होती है। दोस्तों सामुद्रिक शास्त्र के मुताबिक ये लड़कियाँ आलसी और कमज़ोर याददाश्त वाली होती हैं। दोस्तों नंबर दो है हिनहिनाकर हंसने वाली। जी हाँ दोस्तों, सामुद्रिक शास्त्र के मुताबिक घोड़े की तरह हिनहिनाकर हंसने वाली लड़कियाँ अपना काम निकलवाने में माहिर होती हैं। ज़्यादातर ऐसी लड़कियाँ मौके का फ़ायदा उठाना अच्छे से जानती हैं, तो ऐसी लड़कियों से जरा आप सावधान हो जाइए। दोस्तों तीसरा पॉइंट है खिलखिलाकर हंसना। सामुद्रिक शास्त्र के अनुसार जो लड़कियाँ खुलकर हंसती हैं यानी खिलखिलाकर हंसती हैं, उनका व्यवहार काफ़ी अच्छा होता है। ऐसी लड़कियां सहनशील, दयालु, आत्मविश्वासी होती हैं। इस तरह की लड़कियां कभी किसी को धोखा नहीं देती हैं। दोस्तों यदि आपकी ज़िंदगी में ऐसी लड़की आती है तो समझ लीजिए आपकी किस्मत चमक जाएगी। दोस्तों चौथा पॉइंट है शांत मुस्कान वाली लड़कियाँ। जी हाँ दोस्तों, जो लड़कियाँ शांत होकर मुस्कुराती हैं वह हमेशा मन की प्रसन्नता को जताती हैं। इस तरह की लड़कियां गंभीर, धैर्यवान, फोकस्ड, विश्वासी और ज्ञानी होती हैं। इन लड़कियों पर आप आराम से विश्वास कर सकते हैं। दोस्तों पांचवा और अंतिम पॉइंट है ठहाके मारकर हंसने वाली। जी हाँ दोस्तों, ठहाके मारकर हंसना या खिलखिलाकर हंसने से थोड़ा अलग है। जो लड़कियां ठहाके मारकर हंसती हैं, हालांकि वो अपनी लाइफ में बहुत सफल होती हैं, मगर गौर फरमाइए कि अगर ऐसी हंसी के साथ उनका चेहरा व्यंगपूर्ण हो तो उनमें अहंकार की भावना होती है, तो ऐसी लड़कियां चुनने से पहले ध्यान अवश्य ही रखें।
तो दोस्तों ये था आज का हमारा वीडियो। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद ज़रूर आया होगा। पसंद आने पर आप इसे लाइक कीजिए, और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। चलिए दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक आप रहिए स्टे मोटिवेट, स्टे फियरलेस।